हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन इकोसिस्टम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने प्यारे पुदीना के प्लांट के बारे में बात करेंगे, इसकी केयर क्या है, हम इसको आपको प्रोपोगेशन भी दिखाएंगे वाटर प्लस सॉइल में। तो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारा आप देख रहे हैं, ये पानी में पुदीना का पेड़ लगा हुआ है। तो अभी आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं, इसमें कुछ नया तो है नहीं। फिलहाल इसका जो जंतु वनस्पति जो इसका नाम है, उसका नाम जो है बॉटनिकल नेम इसका है मेंथा स्पाइसेटा, इसी नाम से इसको जाना जाता है। ये एक जो है मिंट की आपकी गुड़ में क्या आता है। देखिए इसमें फ्रेंड्स, इसको कहते हैं लोग काफ़ी, इसका यूज़ चटनी वगैरह में भी करते हैं, और इसके अलावा शरबत वगैरह ठंडी गर्मियों में इसका जो बहुत मतलब यूज़ है आपके बॉडी पेट के लिए, है ना। और इसके अलावा जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसको भी काफ़ी मजबूत करता है। देखिए इस प्लांट को हमने क्या किया था, बाज़ार से परचेज़ किया था और करीब 4 दिन पहले हमने इसको इसी पानी में डाला था। देखिए इसमें छोटी छोटी इसकी जो है रूट्स आ गई हैं, मतलब इस प्लांट ने जो है पानी में ग्रोथ शुरू कर दिया है। देखिए वैसे ही हरा भी बना हुआ है ना, काफ़ी इसमें खुशबू भी कितनी अच्छी आती है इसकी, है ना। इसे आप क्या कर सकते हैं, एक ऑर्नामेंटल के रूप में भी रख सकते हैं, है ना। इंडोर चाहे रखिए चाहे आउटडोर रखिए, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने किचन में भी रख सकते हैं, है ना। किचन में रखने से थोड़ा क्या होता है, जब लगा रहेगा तो किचन में थोड़ा सा एक ऑक्सीजन की मात्रा भी बड़ी अच्छी बनी रहती है, और थोड़ी ग्रीनरी रहती है तो देखने में अच्छा लगता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत वाली बात नहीं है कि घर में पुदीना कैसे उगाएं। आप सभी लोग जानते ही हैं, मार्केट से जैसे हमने भी ला के रखा हुआ है। ये देखिए ये पुदीना का प्लांट लाए हैं, इसी पे हम लोग आज जो है प्रोपगेशन देखेंगे। ये भी हमारे जो मार्केट से ही लाए थे हमने, उसी का हमने जो है प्रोपोगेट कर लिया है। हमने इसके अलावा एक जगह और सॉइल में और जनरेट किया है, उसको हम किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे, है ना। तो आज हम इसको देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे क्या होता है, इसको कैसे प्रोपेट किया गया। जैसे अब इस जो है इस पेड़ को देखिए, इसमें क्या किया है, यहाँ पे जो नीचे वाली जो पत्तियाँ हैं इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से तोड़ लेते हैं, और इसके बाद में नीचे वाला जो सेगमेंट है थोड़ा सा काट लेते हैं, ठीक है। ऐसा काटिएगा कि इसमें नोट्स, जैसे कि इसमें नोट्स ये देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, लेकिन हम काट देते हैं चूँकि नीचे वाला ये काट दिया हमने, और ये देखिए एक नोड वाला हमारा इसमें आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा ये तैयार हो गया। दूसरा हमारा ये लेते हैं, देखिए इसमें क्या काफ़ी बड़ा पेड़ है ना। बड़े पेड़ आपको मुश्क जो है थोड़ा अवॉइड ही कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मेरे पास है तो हम इसी में ही प्रोपोगेट करेंगे। इसको हम आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे आने वाले वीडियो में कि क्या रिज़ल्ट है। जैसे हमने लास्ट वाला वीडियो जब प्रोपोगेट किया था, हमने आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन इसको हम जो है शेयर करते हैं तो इसका आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। ये वाला हम नहीं लेंगे, दूसरा हम ले लेते हैं। इसमें ये देखिए इसकी हम नीचे वाली जो पत्तियां हैं उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। और चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो हम नीचे का जो पार्ट है उसको यहाँ से हम काट देंगे। थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा आपका जो टूल हो काटने वाला बहुत शार्प होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने इसको काट दिया। अब देखिए ये हमारा जो है नीचे इसमें 2 नोड्स आ गए हैं, एक नोड ये है दूसरा नोड ये है। इसको हमने भी रख लिया, ये तैयार हो गया दोमिया पेड़। और तीसरा ये देखिए इसकी पत्ती जो है थोड़ी सी लूज पड़ रही है, तो हम इसको अगर पानी में कर देंगे खड़ा तो उसके बाद में ये पत्तियां भी इसकी जो होंगी वो खड़ी हो जाएंगी। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, जैसे जब ये मैंने लगाया था ये पेड़, तो जब मैंने इसको पानी में डिप किया था, पानी में डिप करने के मतलब 12 घंटे बाद ये पत्तियाँ मुरझाने लगी थी, लेकिन फिर जैसे 24 घंटा बीता ये पत्तियाँ धीरे धीरे खड़ी हो गई। देखिए कैसी फ्रेशनेस बन गई, उसने ग्रोथ ले लिया, है ना। अच्छा दूसरी बात, इसमें पानी आप चेंज कर दिया करिए 1 हफ्ते में, वैसे ही प्लांट आपका फ्रेश बना रहेगा और ग्रोथ धीरे धीरे आएगी। लेकिन मिट्टी में ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ा चूँकि जून का महीना चल रहा है तो जल्दी लगता भी नहीं है, है ना। थोड़ा इसमें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ, जो हम दिखाते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे ग्रोथ करना है। इसमें कुछ एक सटीक तरीका बताएंगे जिसमें आपका ये जो पुदीने का प्लांट है ये ग्रोथ कर जाएगा 100%, वो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो इसमें भी देखिए आपको मिल जाएगा नोट्स मिले हुए, इसको भी यहाँ से क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। ये हो गया,
इसमें भी नोडल एरिया है, ये वाला इसमें का नोडल एरिया है, इसमें भी हमने कट कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, ये कट कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे सारे प्लांट जो हैं तैयार हो गए हैं। अब हम देखिए इसमें बात देखते हैं सिलेक्शन वाली। हमारे पास सामने देखिए सॉइल का भी ऑप्शन रखा हुआ है और ये साथ में वाटर का ऑप्शन भी रखा हुआ है। अब हमको यही इसमें सोचने वाली बात है कि कौन सा सॉइल में जाना चाहिए, कौन सा वाटर में जाना चाहिए, है ना। तो देखिए जो जिसकी पत्ती थोड़ी बहुत आपको लगे कि हाँ ये पत्ती मुरझाई नहीं है, सही है, तो उसे आप क्या कीजिए, उसे आप मिट्टी का ऑप्शन दीजिए। ठीक है, देखिए मिट्टी मेरे जो है नमी पहले से बरकरार है, हमने इसको ऐसे इसी में डाल दिया है। डालने के बाद में दूसरा क्या है ऑप्शन, ये देखिए ये वाला भी आप देख लीजिए, इसमें भी नोट्स हैं आपके, ये नोट्स का एरिया है, मिट्टी थोड़ा सा ऊपर की पत्तियाँ मुरझाई हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको जो है इसी में ही डाल देते हैं। ऐसा डालेंगे कि जो नोडल पार्ट है वो मिट्टी के अंदर चला जाए, क्योंकि जो नोडल पार्ट था वहीं से ही आपकी जो है नई जड़ें आएंगी, ये बात याद रखिएगा आप लोग, जहाँ से नोडल पार्ट होगा वहीं से नई जड़ें आएंगी। ठीक, तो ये वाला भी हम जो है इसको, खैर ये वाला डाल देते हैं, इसमें थोड़ी पत्तियाँ हमारी जो हैं खड़ी खड़ी हैं, इसमें नोट्स भी हमारे अवेलेबल हैं, तो ये देखिए हमने लगाया। थोड़ा कोशिश कीजिएगा हल्का सा तिरछा लगाइए, वो ज़्यादा बेटर चल जाता है सीधा के बजाय, हल्का सा इसको पुश कर दीजिए। नमी हालांकि बरकरार है, लेकिन हम इसमें पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद में इसको क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के डिब्बे में इसको हम क्या कर देंगे, बंद करके इसको सनलाइट में रख देंगे, डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो डिब्बे के अंदर पूरी नमी इसकी बरकरार रहेगी, और ये आपका करीब एक हफ्ता हम उसी को, इसको मिट्टी वाले को उसी में पड़ा रहने देंगे, है ना। एक हफ्ते बाद उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और ये प्लांट हमारा जो है नमी चूँकि पाएगा भी, सनलाइट भी पाएगा, तो इसकी प्रोसेस पूरी चलती रहेगी और ये हमारा ऐसे हरा भरा बना रहेगा और इसको ग्रोथ है। अगर लेकिन क्या होगा, जून जून का महीना चल रहा है, अगर हम इसको ऐसे बाहर छोड़ देते हैं या ऐसे छोड़ देते हैं, तो ड्राइनेस की वजह से ये पौधे क्या होंगे, ये सारी मर जाएंगे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद में इसको क्या करेंगे, प्लास्टिक के डिब्बे में, ट्रांसपेरेंट डिब्बे में इसको क्या करेंगे, जो इसको बंद करके धूप में रख देंगे, और उसमें नमी मिलती रहेगी, उसकी नमी बाहर नहीं जाएगी, और उसी नमी से इसका काम चलता रहेगा। अब देखिए पानी वाली यूनिट की बात कर लेते हैं, हम क्या करना है, तो पानी वाली ट्यूब में देखिए ये सारे हमारे जो दो पुराने वाले हैं, इसको इसी के साथ में हम और बढ़ा देते हैं अपना, ताकि हमारा जो है ये जो ग्लास है पूरी तरीके से भर जाए और हमको पुदीना और ज़्यादा मिले, ग्रीनरी अवेलेबल हमारे पास हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए हम सब इसी को ऐड करते जा रहे हैं, इसी में बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाने के बाद में इधर से भी हमने ले लिया, इसको रहने दीजिए छोड़िए, अब इसको अभी चटनी बना लिया जाएगा इसकी, ये यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इसको ऐसे, और साथ में हमारे पास जो कुछ थोड़े बहुत पत्थर पड़े हैं इसी में डाल देते हैं, ताकि ये जो है खड़े रहें उसी में, ऐसे जब खड़ा रहेगा तो उसमें क्या होगा, इजली जड़ आ जाएंगी, जो नई नई जड़ें जो हैं पैदा हो जाएंगी। हम इसको ऐसे भर देते हैं, जब पत्थरों के बीच में पाते हैं ना थोड़ा सा इनको बेस मिल जाता है, तो इनकी जड़ें बहुत बढ़िया। या इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई पत्ती जो है पानी के अंदर ना जाने पाए, जितना सेगमेंट पानी के अंदर रह रहा है उसमें उसमें उतनी दूर तक की आप जो है पत्तियां हटा दीजिए। जैसे हमारा ये वाला था, हमने इसको ये पत्ती को हटा दिया। ठीक, और इसमें क्या करेंगे, पानी देखे रहेंगे, चूँकि जून का महीना है, पानी बहुत तेज़ी से खपत होता है इन पत्ती प्लांट वाले पत्तियों की, तो हम इसको पूरा भर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से भर देते हैं, ये हमारा जो है फिर इसमें नई ग्रोथ हमको मिल जाएगी। हमारे जो ये जो अब देख रहे हैं जो पत्तियां ऐसी लटकी हुई हैं, ये सब क्या होगा, 6 से 7 घंटे में फिर से खड़ी हो जाएंगी, या 12 घंटे भी लग सकते हैं, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इस समय, जून का महीना चल रहा है ना। तो इस तरीके से हम पानी में अपना पुदीना ग्रोथ कर सकते हैं, और ये सॉइल इसको हम पानी इसमें भी डाल रहे हैं,
और इसको जो है डिब्बे में, एक ट्रांसपेरेंट डिब्बे में प्लास्टिक के, उसको बंद करके धूप में रखेंगे और उसको इसी से ही जो कि क्या होगा, जब पानी इसको मिलता रहेगा तो नमी मिलेगी। इसका जो रिजल्ट है हम आपकी अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। ओके, और ये जो और प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहिए या इसी पुदीना के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।